हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं ठेले को कलर करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सब्जियाँ वगैरह लगाकर बेचता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कलर कैसे कर रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा जो ठेला है इस पर हम सब्जियाँ वगैरह रख के बेचते हैं। तो ये देखिए, इस पर अब हम कलर करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल काली पड़ चुकी है लकड़ी और अब इस पर कलर शुरू करेंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल इसको धो दिया जिससे कि इसमें मिट्टी वगैरह जो भी लगी हुई है वो सब निकल जाए और अभी थोड़ा सूख जाएगा। उसके बाद हम इस पर कलर चालू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इस पर कलर करना है, कैसे नहीं करना है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने इस पर अभी इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया है जो कि गाड़ियों में डलता है, पुराना जला हुआ इंजन ऑयल था जिसे मैंने इस ठेले पर लगा दिया। जिससे क्या है कि अब इस पर अपन ऑयल पेंट करेंगे तो कम ऑयल पेंट इसमें लगेगा, नहीं तो क्या लकड़ी है जो ऑयल पेंट ज़्यादा पी जाती और इससे इस वजह से हमारा ऑयल पेंट भी ज़्यादा लगता है इसमें। इसलिए हमने कम ही इसमें ऑयल पेंट लगे, इसलिए इसमें क्या है गाड़ी का इंजन ऑयल जो जला हुआ होता है वो यूज़ किया है और वो इसमें पूरे ठेले पर मैंने लगा दिया है जैसा कि आपने देखा। इस वजह से ठेला भी मजबूत रहेगा और इसकी लकड़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगी। तो ठीक है, इस पर मैंने सुबह ऑयल लगाया था जिससे कि क्या है लकड़ी थोड़ी बढ़िया हो जाए, लकड़ी में मजबूती आ जाए। और इसमें ऑयल लगाने के बाद में देखिए इसकी क्या कंडीशन है। अब ये ऑयल सूख चुका है पूरी तरह से इसमें और अब हम इसमें कलर करेंगे। और कलर का वो डब्बा मैं लेकर आ चुका हूँ। तो ये देखिए, ये डब्बा है एशियन पेंट का, आधा लीटर लेकर आया हूँ मैं। और अब इस पर करते ही कुछ इस तरह का होगा। ये देखिए, ये क्रीम कलर है इसमें, तो ये वाला करते हैं अब इस पर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा होता है आज कलर। तो गाइज, इस पे हमने एक हाथ लगा दिया है कलर का और अभी ये देख रहे हैं कि जैसे निशान वगैरह दिख रहे हैं आपको ये वाले, तो ये क्या है कि ये लकड़ी है पुरानी और ये ऑयल पेंट पी रही है फुल दबाकर। तो अब इसको सूखने देते हैं और कल सुबह इस पे दूसरा हाथ लगाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कैसा होता है कलर। तो गाइस, दो दिन की मेहनत के बाद में फाइनली हमारा ये ठेला तैयार हो गया है कलर होके और आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये और हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कलर किया इसमें।